हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं छोले की सब्जी बनाने। छोले की सब्जी हम कैसे बनाते हैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ऐसे आपको आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगी। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। छोले बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 5 प्याज काट लिया है, और 4 टमाटर, और 10-12 कलियाँ लहसुन की, और 4 लहसुन वो मिर्ची। सो हमने ये ले लिए हैं 4 बड़े प्याज, 4 टमाटर, और 10-12 कलियाँ लहसुन की, ये 5 हरी मिर्चा, और थोड़ी सी अदरक। अब इन सबको हम प्याज को, लहसुन, अदरक, मिर्चा को फ्राई करते हैं, इसका पेस्ट बनेगा। इसको अलग से फ्राई करके इसका अलग पेस्ट बनाते हैं। सो हम इसको प्याज को फ्राई कर लेते हैं, और इसी के साथ हम डाल देते हैं अदरक को, और इसी में डाल देते हैं हरी मिर्चा, और इसी में लहसुन। ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम फिर डालते हैं इसमें, ये इसको हम फिर पीसते हैं। इसको फ्राई करने से इसका प्याज का कच्चापन हट जाता है, तो खाने में छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कुछ इस तरह से प्याज भून जाना चाहिए। हाँ, सो कुछ इस तरह से प्याज भुन जाना चाहिए। अब हम प्याज को निकाल लेते हैं। हम अब इसको निकाल लेते हैं, इसमें प्याज, अदरक और हरी मिर्चा और लहसुन तीनों एक साथ भून लेते हैं। अब इसका बस पेस्ट बनेगा। अब हम इसमें अपने टमाटर को भी फ्राई करेंगे। सब्जी में भी मैंने रिफाइंड रिफाइंड वाला नहीं डाला था, इसमें डाला था मैंने सरसों वाला। मटर डाल फ्राई कर लेते हैं। हमारे भून चुके हैं टमाटर, इनको भी वाइल से निकाल लेते हैं, और इनका भी पेस्ट बनेगा। ये हमारा टमाटर का पेस्ट पिस गया है, और ये हमारा प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा का पेस्ट पिस गया है फ्राई करके। अब इसको चलो बनाते हैं इसकी छोले की सब्जी। सो इधर मैंने ले लिया है ये 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, और ये इलायची 4, और तेज पत्ता, और इधर मैंने ले ली हैं 5 से 6 काली मिर्चा, और 4 लौंगें। अब सब इनको डालते हैं। ये मैंने डाल दिया है जीरा हींग, इसमें डाल देते हैं अब इलायची, लौंग, और ये इसमें हमने डाल दी है काली मिर्चा। काली मिर्चा चटक बच के फ्राई करना, और इसमें हम डाल देते हैं तेज पत्ता। अब हम डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ प्याज। ये प्याज हमारा ये भून रहा है, इसको लगभग भूनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फ्राई किया हुआ है, और इसको लगभग 5 मिनट लगेंगे भूनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर हम ले लेते हैं 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्चा, और इसमें
इसी में हम मिला लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने छोले उबलने में भी नमक डाला था। ठीक है, इसी में मिला लेते हैं कलर के लिए कश्मीरी मिर्चा। और इधर मेरे ये मैंने एक कटोरी, ये वाली कटोरी मैंने छोले रात भर भीगने डाल दिए थे, सुबह कुकर में बस इनको उबाल लिया था 3 सीटी में। और ये मेरे उबल चुके हैं छोले, और उबलते समय इसमें मैंने थोड़ा सा 2 चुटकी नमक डाल दिया था। जब तक मेरा प्याज भुन रहा है तब तक मैंने 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई ले ली है। इसी में हम करेंगे 1/2 कप दूध मिक्स, इसको डालेंगे मसाला भुनने के बाद। इससे फ्लेवर इन सब मसालों को हम पानी से घोल लेते हैं अच्छी तरह। जब मेरा प्याज भुन चुका है लगभग इस तरह से, जब मसाला वाइट छोड़ने लगे, अब डाल देते हैं हम अपने भुने और किसे हुए पेस्ट टमाटर का बना हुआ, उसमें डाल देते हैं, ये भी भुन जाएगा। टमाटर भी भून चुका है लगभग, इसको भूनने में फ्राई पहले से फ्राई थी तो 5 मिनट लगे हैं। और इसमें हम ये मैंने पेस्ट बनाया था धनिया मिर्चा हल्दी और वो कश्मीरी मिर्चा का, ये भी डाल देते हैं। और इधर मैंने पानी 2 गिलास गुनगुना कर लिया है, जब मैं छोले डालूंगी तो ये पानी गुनगुना करके ही डालूंगी तो इससे सब्जी और टेस्टी बनती है। तो मैंने 1 चम्मच लगभग ये ले ली थी मैंने कसूरी मेथी, इसको हम प्रेस करके डाल देते हैं, मसाला मेरा भून चुका है। ये 1 चम्मच हम डाल लेते हैं छोले मसाला, और 1 चम्मच हम डाल लेते हैं गरम मसाला। इसी में डाल लेते हैं मलाई और दूध जो मैंने मिक्स किया था, मसाला भुन चुका है तो हम इसी में ये डाल लेते हैं। इसको भी 2 मिनट भून लेते हैं तो बस छोले पड़ेंगे। ये हमने डाल लिया था 2 चम्मच सरसों का ऑयल, अब हम इसमें छोलों को फ्राई करते हैं 2 मिनट के लिए, इससे कच्चापन छोलों का हट जाता है। 2 मिनट मैंने इन छोलों को फ्राई कर लिया ऑयल में, अब हम इसमें मसाले में डालते हैं। मसाला इधर भून गया है, इनको सबको मसालों को छोले में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बस 1 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें मेरा गुनगुना किया हुआ पानी रखा है, ये डाल देते हैं। 1 मिनट हो गया है तो अब हम इसमें गुनगुना किया हुआ 2 गिलास पानी डाल लिया है, आप अपनी सब्जी के अनुसार इसमें पानी डाल लेना। तो नमक हम डाल ही चुके थे, बस अब इसमें बनने में बस 1-2 फॉल आ जाए, 5 मिनट का टाइम और लगेगा, बस फिर धनिए से गार्निश कर लेते हैं। सब्जी हमारी बन चुकी है, कुछ इस तरह की हो गई है, और मेरे छोले अच्छे से उबले हुए थे तो मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं। अगर आपके छोले मीडियम उबले हों तो आपको इसमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं हरा धनिया, बस बनके रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी छोले की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। ये देखो लाजवाब छोले की सब्जी बन के रेडी हो गई है, खाओ पियो एंजॉय करो।
बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।